आम तौर पर फाइनेंस की बातें जरा टेक्निकल हो जाती हैं, सामान्य मानवीय हेडलाइन पढ़कर के छोड़ देता है, और इसलिए सामान्य मानवी को बेहतर तरीके से इन बातों को समझना और उनको समझाना मैं समझता हूं आज समय की मांग है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हम जब करते हैं तब इस देश के आखिरी व्यक्ति को भी इस प्रोसेस का हिस्सा हम बनाना चाहते हैं। अभी तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में हमारे मध्यम वर्ग, हमारे कर्मचारियां, हमारे छोटे व्यापारी, सीनियर सिटीजन्स, यानी जिनकी छोटी सेविंग है, उनको सिक्योरिटीज में निवेश के लिए बैंक इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स जैसे इनडायरेक्ट रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब उन्हें सुरक्षित निवेश का एक और बेहतरीन विकल्प मिल रहा है। अब देश के एक बहुत बड़े वर्ग को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देश की संपदा के निर्माण में सीधा निवेश करने में और आसानी होगी। इस योजना के तहत फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा रिटेल डायरेक्ट गिल्ड आरडीजी अकाउंट खोला जा सकता है। ये अकाउंट भी ऑनलाइन खोला जा सकता है और सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी ऑनलाइन संभव है। सैलरी वालों या फिर पेंशनर्स के लिए घर बैठे बैठे सुरक्षित निवेश का ये बहुत बड़ा विकल्प है। इसके लिए कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, फोन और इंटरनेट से ही आप मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका काम हो जाएगा। ये आरडीजी अकाउंट निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा, जिससे सेल परचेज ऑटोमेटिक, खरीद फरोख का जो काम है ऑटोमेटिक संभव हो सकेगा। भारत में सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में गारंटेड सेटलमेंट का प्रावधान होता है। ऐसे में छोटे निवेशकों को सुरक्षा का एक आश्वासन मिलता है, यानी छोटे निवेशक सुरक्षित निवेश पर अच्छे रिटर्न का भरोसा मिलेगा और सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए देश के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुरूप नया भारत बनाने के लिए जो जो व्यवस्थाएं विकसित करनी चाहिए इसके लिए जरूरी संसाधन मिलेंगे।